नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120 और 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी. एचजी मतलब मर्करी. ये इसका यूनिट है मिलीमीटर ऑफ एचजी में हम लोग बीपी को मेजर करते हैं. ठीक है, तो बीपी नॉर्मल कितना होता है? 120 और 80 होता है. तो ये नीचे वाला ये डायस्टोलिक और ये ऊपर वाला सिस्टोलिक. सिस्टोलिक क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट की जो वेंट्रिकल्स है वो उसमें ब्लड, ये देखिए ये हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल्स. जब ये वेंट्रिकल्स फिल्ड है और आप ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वो जो प्रेशर, तो फिर वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्शन वाला सिस्टोलिक प्रेशर, वो हम ऊपर नोट करेंगे. ठीक है, ये 90 to 120 हो तो ठीक है. और फिर जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये हाली हो जाएंगे रिलैक्स करेंगे, तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक. ठीक है, वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं ताकि नीचे से दोबारा बॉडी से इंफीरियर वेना कहलाएगी, दोबारा ये फिल होंगे ब्लड से, दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स. ठीक है, जब रिलैक्सेशन जो होगा वो प्रेशर कौन सा होगा? डायस्टोलिक. ये 62. ये मैंने आपको बीपी के बारे में बता दिया. ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वेन्स, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. ओके, तो हम लोग ब्लड प्रेशर यूज करेंगे जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, स्विग्मोमैनोमीटर या बीपी ऑपरेटर्स भी करेंगे. ओके, स्विग्मोमैनोमीटर. अब इसमें हमने दो चीजें जो है उन्हें फोकस करना होता है इसमें. अच्छा, स्विग्मो हम लोग जो बीपी डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय यूजिंग स्विग्मोमैनोमीटर और बीपी अपरेटस. सबसे बड़ी लाइन 20, उससे छोटी वाली, ये इक्वल टू 10 होगी. 20 तो यहाँ पे 13 हुआ, 1 2 3. फिर बड़ी लाइन आ गई, ये देखिए, इट इज इक्वल टू 10, इक्वल टू 2 एंड दिस इक्वल टू 20. तो इस तरह हमने क्या काउंट करना है? इस डायरी को रीड करने का तरीका, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी मीटर इधर आती है तो क्या बना? 20 40 60. तो ये जो स्मॉल है 40 plus 10 इज इक्वल टू 50. एंड फॉर एग्जाम्पल हियर इज द नीडल 52 और यूनिट क्या है? मीटर ऑफ मर्करी. सो दिस विल बी द रीडिंग, यू विल नोट दिस. ओके, ये आप रीडिंग डायल पढ़ने का. अच्छा, फिर डायल में हमें स्टेटोस्कोप यूज करना पड़ता है. ठीक है, डायल की कहाँ पर रुक है वो हम साउंड से देखते हैं. तो दूसरी मेन चीज है हमें साउंड पे फोकस करना होता है. अपरेटस में एक डायल होता है, दो मेन पॉइंट्स है जिस पे फोकस करें. डायल रीडिंग आनी चाहिए और साउंड. ठीक है, साउंड में हमें बहुत कंसेंट्रेशन से सुनना है. ठीक है, जिस जगह पे साउंड के ड्रॉप करता है या ठीक है, और जहाँ पे नीडल थोड़ा सा रुक के आगे चलने लग जाती है, तो वो पॉइंट्स आपने नोट कर दिए होते हैं. पहला वाला जो है वो सिस्टोलिक होता है और दूसरा डायस्टोलिक. तो आपने साउंड जो होता है, साउंड ऑफ हार्ट होता है लब डब. ठीक है, साउंड ऑफ हार्ट को इसे आपने फोकस किया, दो बार आवाज़ आएगी. ठीक है, और इसको क्रॉट सबसे पहले जो कफ है उसमें से एयर आपने पंप आउट करनी है और उसे आर्म के अराउंड आपने टाइटली बांध लेना है. ठीक है,
स्लोली रिलीज एयर फ्रॉम द कफ वाइल यूजिंग स्टेथोस्कोप टू हियर द पल्स इन योर आर्म्स ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, साउंड ऑफ पल्स आपने सुनना है, स्टेथोस्कोप उसके लिए यूज़ करना है। टेक अ मेजरमेंट व्हेन यू हियर योर ब्लड मूविंग देयर ब्लड मूविंग। रिलीज मोर एयर फ्रॉम द कफ, मेजर योर प्रेशर अगेन। तो ये रीडिंग आपने नोट करना।